तो हेलो गाइज, क्या हाल है आप सभी लोगों के। एंड वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का एक न्यू वीडियो के अंदर। बाय द वे यार, देखो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पबजी प्लस बीजीएमआई एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम भाई काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। एंड ये प्रॉब्लम आती क्यों है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, एंड अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो आप इसको जल्दी से एंड फास्ट तरीके से कैसे भाई इसको फिक्स आउट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर मैं स्टार्टिंग वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार मेरे को यही नोटिस देखने को मिल रहा है एंड हम जो है वो गेम नहीं खेल पा रहे हैं। तो ओवरऑल आज इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एंड पबजी या बीजीएमआई के अंदर कुछ न्यू प्लेयर भी होते हैं जिनको भाई ये भी पता नहीं होता कि यार ये प्रॉब्लम आती क्यों है। एंड मैं ये भी जानता हूं कि यार आप में से कुछ लेजेंड प्लेयर हैं जिनको पता है कि यार ये प्रॉब्लम आती क्यों है। सिंपल हमें बता के हम इसको जल्दी से कैसे फिक्स आउट करें, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है तो ये किस वजह से आपके पास आती है। देखो, जब भी आप अपने फ्रेंड्स या टीममेट के साथ गेम खेलते हो, आपका स्क्वाड होता है, चार बंदे होते हैं ओवरऑल आपको मिला के, तो आप उनके साथ गेम खेलते हो। कभी कभार होता क्या है कि यार आप अपने टीममेट के साथ भाई कभी ऊंच नीच हो जाती है, आप कभी कभार उनको गाली गलूच कर देते हो तो वो भी आपको गाली गलूच कर देते हैं। एंड गुस्से में यार आप करते क्यों कि उनको नेड या मूली कर देते हो, जिससे यार आपको ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड आपको बताया जाता है कि यार आपका मेरिट जो है वो लो है या आप जो है वो यहाँ पे गेम नहीं खेल पाते हो। सिंपल यहाँ पे आपको बताया जाता है कि यार आप अपने मेरिट को गुड करो, तब आप यहाँ पे गेम खेल पाओगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यार ये प्रॉब्लम क्यों आती है। अब हम चलते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स आउट करेंगे। इसके लिए यार आपको सबसे पहले तो अपना मेरिट चेक करना पड़ेगा कि यार आपका मेरिट कितना है। तो इसके लिए यार आपको मेरिट चेक करने के लिए सिंपल अपनी प्रोफाइल के अंदर आ जाना है, जैसे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। एंड ये जो आपको मार्क मैं दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू आप सिंपल आसानी से समझ पाओगे। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा विंस टॉप 10 केडीज, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल आपको नीचे की साइड एक मेरिट सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो मेरिट जितना भी होगा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 68 मेरिट है, तो इसका मतलब है कि यार मैं अपने टीममेट के साथ नहीं खेल पाऊंगा। अब यहाँ पे ये भी मेरे से काफ़ी लोग पूछेंगे कि यार हमारा मेरिट कितना होगा तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलेंगे। देखो, अगर आपका मेरिट भाई 80 के करीब होगा, यानी 80 होगा आपका मेरिट, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ईजिली गेम खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगर 80 से आपका मेरिट भाई 77 है या 75 है, तो इससे नीचे है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम नहीं खेल पाओगे। तो देखो यहाँ पे आपको सर्च हिस्ट्री भी बताया जाएगा कि यार आपका मेरिट किस टाइम के लिए भाई जो है वो चला गया था, तब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या किस टाइम आपने अपने टीममेट को किल किया था, तो वो भी यहाँ पे बताएगा। तो ओवरऑल मैंने इस आईडी पे भाई आज से करीबन एक साल के करीब हो चुका है मैंने टीममेट को किल किया था, तब से ये मेरिट जो है वो मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, क्योंकि यार मेरी एक और आईडी है जिस पे मैं गेम खेलता हूँ, ये तो बस वर्क या काम करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो खैर देखो, तो जैसे ही यहाँ पे आप अपना मेरिट चेक करो कि यार आपका मेरिट इतना आ रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पे 68 आ रहा है मेरिट, तो अब मुझे खेलना क्या पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी आपको बता देते हैं कि यार आप कौन से मूड खेल सकते हो जिससे यार आपका मेरिट जल्दी से इंक्रीज़ हो, बट इनमें से आपने कोई सा भी मूड नहीं खेलना, बट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसको ही प्ले करो, जिससे यार आपका मेरिट जल्दी से इंक्रीज़ होगा एंड आप फिर अपने टीममेट के साथ गेम खेल पाओगे। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको स्टार्टिंग का बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपको जो है भाई आपके जो क्लासिक रैंक या मूड होते हैं इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा एंड हमारे जितने भी मूड हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, बट सिंपल आपने यहाँ पर अनरैंक्ड के अंदर आना है एंड ऑदर्स के अंदर चले जाना है। एंड जैसे ही आप ऑदर्स के अंदर आओ तो यहाँ पर आपको एक VS AI मूड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल इस VAS AI मूड को सिलेक्ट करना है, बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसको इजी सिलेक्ट करके देन इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि यार आप जो है वो VS AI मूड के अंदर चले जाओगे एंड इसके अंदर आपको टोटल बोर्ड देखने को मिलेंगे जिसे आप किल करोगे एंड आपको चिकन डिनर करना है। देन उसके बाद आपके 2-3 मेरिट जो वो इंक्रीज़ पर गेम के अंदर होते रहेंगे
एंड आपका जो मेरिट है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल पाओगे। तो कुछ इस तरीके से यार आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। आई होप मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से गाइड करके बताया होगा कि यार आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट कर सकते हो। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिलहाल तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।